अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो हाजिर है न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस देखिए आज कितना अच्छा मौसम है। आज मौसम का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है और साथ साथ और बादल भी देखिए बिल्कुल, मतलब कि बारिश वाले बादल हो रखे एकदम, बिल्कुल काला काला मौसम हो रखा है। इस साइड साफ़ है थोड़ा थोड़ा और इस साइड ये कैसे ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है। तो मौसम तो काफ़ी वैसे अच्छा हो रखा है, काफ़ी बढ़िया। तो गाइस मैं एक आपको एक खुशी की खबर सुनाना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं कबूतर की तरफ अंदर। तो गाइस बात है ये कि ना रात को, मैं आपको पहले डिटेल में बता देता हूँ कि शाम के टाइम रात का टाइम था, क्योंकि मैंने फ़ोन ना मैं चला रहा था बार बार ना, वीडियो को देख रहा था और एडिटिंग वगैरह कर रहा था वीडियो की, और शॉर्ट्स वगैरह मैं सोच रहा था कौन सा डालूँ कबूतर का, कौन सा ना डालूँ, क्योंकि मैंने चार पांच शॉट एक साथ बना लिए थे, तो इसलिए मैं समझ नहीं आ रहा था कौन कौन सा डालूँ मैं। तो गाइस फाइनली फिर मेरी चार्जिंग थी वो लो हो गई थी, एकदम बंद हो गई थी। तो पता कि मतलब ये समझ लो 4 या 5% बची थी। तो फिर मैंने नीचे छोड़ दिया था फ़ोन, उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गया। जैसे मैं ऊपर आया शाम के टाइम, मतलब कि टाइम हो रहा था 7:15 का, लेट आया था मैं ऊपर। तो फिर मैंने कबूतर खोले और मैं पानी भरने तो चला गया। जैसे पानी भरने गया एक बच्चा आके बैठा, कल्परा बच्चा जो कि जंगलियों में था, वो हुआ नहीं था, होने वाला था, साथ पे घूम रहा था वो, तो था वो पलताऊ कबूतर का ही। तो फिर वो आ गया छत पे, तो मैं जल्दी से नीचे फ़ोन लेने गया, फ़ोन की पूरी चार्जिंग एकदम ख़त्म। तो मैंने फ़ोन जल्दी चार्जिंग में लगाया, उसके बाद फिर मैंने उसको सोचा कि मैं पकड़ लूँ, मैं पकड़ने में वो आ नहीं रहा था, बार बार भाग रहा था। तो मैंने उसको छापे से उसको पकड़ने की कोशिश की, वो निकल गया था। फिर मैंने सोचा कि छापा रख के फिर मैं दोबारा चेक करने जाता हूँ, तो चार्जिंग सिर्फ 1% हुई, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था, जब कबूतर आया तो चार्जिंग ही नहीं थी और जब नहीं आती है तो चार्जिंग फुल रहती है। गाइस तो ये होता है, दूसरा मेरा फ़ोन है भी तो मुझे उसको चलाना सही से आता नहीं, आईफोन है भी तो मगर चलाना नहीं आता मुझे वो, तो इसलिए मैं उसमें वीडियो बना तो लेता हूँ मगर मैं अपलोड मतलब कि वो शेयर नहीं कर पाता हूँ कैसे करते हैं, तो मुझे पता नहीं है उसका। तो फिर मैं बना भी लेता फिर उसमें रखी जाती, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पकड़ा हुआ कबूतर है, टेप मार रखी है उसकी, और मैंने दिखा देता हूँ मैं आपको ये रहा। तो ये है गाइस वो कबूतर, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये गाइस कबूतर ये है वो बच्चा ही है, ये भी देखिए आप ललसरे टाइप का है, ऊपर से लाल लाल सा है थोड़ा सा, ये देखिए मद्रासी बच्चा है ये, देखो पंजाबी या मद्रासी मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं है, तो गोले पाल रखे मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है फिलहाल। ये देखो टेप मार रखी है इसके, रात में आई है बिल्कुल शाम के टाइम, एकदम अचानक से आके बैठ गया। तो मैंने कहा मुझे लगा मेरी कबूतरी बैठी है, तो देखा तो यही था। ये देखो ये देखो ये देखो गाइस ये देखो, पूछ भी इसकी डिज़ाइनदार है। तो मैंने छापा मार देता ये निकल चुका था, मगर मैंने दोबारा छापा ऐसे करके घुमा के दोबारा जो मारा ना, तो ये उड़ते उड़ते भी पकड़ में आ गया एकदम। तो मैंने इसको पकड़ ही लिया, ये कबूतर देखो इसके आगे की चोंच काली है, पीछे की वैसी है मोमियों चोंच की जैसे होती है ना वाइट, वैसी है। सही है कबूतर ही, दोनों साइड का ही है, बढ़िया कबूतर है, अच्छा है। तो देखो गाइस छोड़ के भी अच्छा लगता है, ये देखो होगा ही सही है ये कबूतर, हमने पकड़ ही लिया इसको, क्योंकि बहुत टाइम से ना उधर उधर घूम रहा था, तो मैंने सोचा हम ही पकड़ लें इसको, तो मगर ये पकड़ में नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से, पहले बहुत पहले ही जब बिल्कुल छोटा सा था ना, समझ लो जितना काला बच्चा है ना, काला बच्चा वो अंदर छुपा हुआ है जिसको मैं दिखाता रहता हूँ आपको, तो जितना वो बड़ा है ना उतना बड़ा बच्चा था ये पहले, तो ये पहले आके बैठा था, मगर पहले इतना चलाक था कि पकड़ में नहीं आया। अब लगी थी इसको भूख इतनी तेज कि मैंने जैसे ही मैंने घ्यू डाला तुरंत चुपट गया खाने के लिए, तो मैंने इसका मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने तुरंत छापा मार दिया। 2 मिनट तो इनने मुझे छूने नहीं दिया, मतलब कि इधर उधर टहलता रहा, उसके बाद इनने सोचा कि खा लूँ पहले मैं, छोड़ूँ पकड़े या कुछ भी करें, उसके बाद खाने में डटा जैसे कि, तो मैंने फिर मैं इसको पकड़ने गया, मेरे हाथ में नहीं आया ये, धाबली के अंदर करा जब भी नहीं गया। फिर मैंने उठाया छापा, मैंने उसके मुँह पर मारा, फिर निकलते निकलते नहातक आ गया था नहातक, तो मैंने दोबारा छापा उसके मारा ना कूद के, तब ये हाथ में आया मेरे, मैंने पकड़ते इसके परवान दिया, तो मैं छोड़ दिया, तो पूरा खाना खिलाया, पानी वानी पिला के फिर मैंने इसको बंद कर दिया गाइस। तो इनको भी मैं अभी खोल देता हूँ, चूँकि इसलिए आज मौसम अच्छा है, तो मैं सोच रहा हूँ उनको खोला रहने दूँ आज, थोड़ा सा ये हिलते कहते हैं ना खोलने से, कहते हैं थोड़ा बहुत छत भी देखते रहते हैं कबूतर, ऊपर नीचे होते रहते हैं, अब तो सबके परी आ रहे हैं, तो ये लोग खुद भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, गुटकते रहते हैं, जोड़े खाते रहते हैं, तो इनको खोल देना चाहिए मुझे। तो गाइस पीली के दोनों अंडे हो गए, देखो देखो आप लोग, पीली के ना दोनों अंडे हो गए, पीली के दोनों अंडे हो गए, दो अंडे इसके हैं। तो अंडों की थी बारिश, हाँ जो इन्होंने तो अंडे नहीं दिए, इसने भी नहीं दिए, इसने नहीं दिए, ये तो पता नहीं कब देगी अंडे, इसका पता ही नहीं मुझे। तो फिलहाल उसके हो गए दोनों अंडे, बच्चे ठीक है, बच्चे
चटकी के अंदर रखा हुआ है और इसकी बच्चे की हालत ख़राब है, जैसे आप रोज़ सुनते हो हालत ख़राब है। काला बच्चा ये रहा, ये माशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया। तो ये उड़ता भी है धीरे धीरे, मैं दिखाऊंगा आपको। अगर ये उड़ेगा तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली भी थी जो कि आप लोग ने सही से देखी नहीं है, आप लोग देख लो जाके। तो देखो इसको, देखो डर, इसको डर कितना है मेरे से। अंडे कहाँ है और कहाँ है गाइस, ये ऐसी है, इसको छूने से पहले निकल के बाहर भाग जाता है ये। तो और ये भी अंदर घुसे हुए हैं दोनों, इनका घर मैंने बना रखा है। तो गाइस साफ करने का मुझे मौका नहीं मिल पा रहा, मैं क्या करूँ, क्योंकि इसलिए गाइस इसलिए कि पापा के हाथ में चोट लगी पड़ी है, तो मैं अकेले साफ कर नहीं पाता, क्योंकि अंदर क्या होता है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया था छिपकली होती है गाइस, इतनी मोटी मोटी छिपकली है ना अंदर से पीछे है, जो गर्मी है आप समझ सकते हो, गर्मी में सर्दियों में तो मैं पूरा निकाल लेता हूँ बाहर, खुद बा खुद खुद कर लेता हूँ सब कुछ, मगर गर्मियों के अंदर इतनी ज़्यादा छिपकली आ जाती है अंदर मोटी मोटी, तो उसको क्या होता है ना कई बार काट भी लेती है, उसके पीछे चिपकी होती है, मैं आसान से खींच लेता हूँ, उसे बाहर निकाल लेता हूँ, कभी मेरे हाथ पर चढ़ जाए काट ले, तो इसलिए फिर लगता है मुझे डर। तो मैं कहता हूँ पापा आप निकाल दो, फिर उसके बाद मैं खुद कर लूँगा सफाई। तो पापा निकाल देते हैं, बाकी मैं खुद कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, पापा ऊपर डंडे उंडे सही कर देते हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, तो गाइस ये सब सही कर देते हैं बस, बाकी तो मैं खुद कर देता हूँ गाइस। तो यही है, तो करूँगा मैं पापा का हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा, आप लोग दुआ मांगो मेरे पापा का जल्दी हाथ ठीक हो जाए, तो उसके बाद हम लोग करेंगे। तो गाइस मैं इनको निकालता हूँ बाहर। तो फाइनली गाइस मैं कबूतर खोल रहा हूँ, आ आ गाइस देखो धीमी धीमी ना बारिश होने लगी है, मेरे कैमरे पे भी गिर रही है, सामने जो फ्रंट कैमरा होता है ना उस पर गिर रही है, तो मैंने तो बैक कैमरा कर रखा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, जब मैं बूंद से दिखा देता हूँ, उनको बूंदी गिर रही है छोटी छोटी, अब तो गाय भी उछा नहीं गिरती है, कैसे दिखाऊँ, दिख रही है तो गाइस देख लो आप लोग, मुझे तो दिख ही नहीं रही इस कैमरे के अंदर, बाकी रियलिटी में दिख रही है। तो यही है गाइस, सारे कबूतर निकल चुके हैं बाहर, ये रह गया अंदर, क्योंकि ये तो डर के मारे छुपा रहता है अंदर ही, क्योंकि इसलिए इसको लग रहा है डर, क्योंकि ये थोड़ा जंगलियों में का है, तो आप तो समझ सकते हो जंगली कैसे होते हैं, अंदर ही घुसे रहते हैं वो ज़्यादातर कोने क्षेत्रों में, मगर ये कोने क्षेत्रों में नहीं घुस रहा, मगर निकलेगा बाहर। तो देखो गाइस कबूतर मैं सब खोल दिए, तो याद मौसम का मज़ा लेंगे फुल, आप लोग देख लो ऐसे मौसम देखे कितना मज़ा आता है, बचपन की याद आ जाती है, ऐसे मौसम में पन्नी लेके भागो खेलो कूदो पतंगे उड़ाओ ये वो, कितना मज़ा आता है। तो हम भी इतने बड़े नहीं हो गए जो बचपन की याद, अभी भी बचपन ही है तो फिलहाल अभी हम कर सकते हैं मस्तियाँ। देखो गाइस ये देखो, मुझे ये कबूतरी बहुत अच्छी लगती है गाइस, रसीम की मैंने आपको बताया था, इसके पर देती गाइस, ये भी जल्दी उड़ाएंगे इसको भी, ये छितरे को भी उड़ाएंगे जल्दी, ज़्यादा कर ये चला के दिखाता है अपनी, तो इसकी चला के सब निकल जाएगी, जब ये उड़ेगा ना कबूतरों के साथ तो सब निकल जाएगी चला के इसकी। तो गाइस मैं अभी इसलिए नहीं उड़ाता, आप समझ सकते हो कि अभी सब अंडे उंडे देने पर लगे पड़े हैं, बच्चे उच्चे निकलवा लूँ मैं, इकट्ठे कर लूँ, उसके बाद मैं इनको फिर लूँगा क्या इनको, मतलब कि उड़ाऊँगा मैं बच्चे, क्या लूँगा बच्चे तो ले ही लूँगा, उसके बाद उड़ाना शुरू कर दूँगा, फिर मैं आपको फुल टू फुल वीडियो दिया करूँगा। जब तक आप लोग मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, और कॉमेंट करना ना भूलें गाइस। ये देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है ना साइड मौसम, देखिए आप लोग ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितना खूबसूरत आ रही थी गाइस। तो यही है गाइस, जल्दी से ये भी अंडा दे दे गाइस, मैंने इसके बच्चे लेने हैं, मगर ये बच्चे अंडे ही नहीं दे रही, इसने अंडे दिए थे तो उसके अंडे ख़राब हो गए थे, तो मैं सोच रहा हूँ उसके अंडे निकल जाएँ तो मैं किसी के नीचे दौड़ा दूँ। तो गाइस मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी भतीजी ऊपर आ रखी है, तो उनकी आवाज़ आ रही है बोलने की, तो वो लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा है मुझे कैमरे मत लेना, मुझे नहीं आना कैमरे में, तो इसलिए मैं इनको कैमरे में नहीं ले रहा ना आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लोग बैठे हुए हैं, देखिए ये बैठे हुए हैं, तो ये लोग ऊपर ही बैठे हुए हैं, और देखिए बारिश शुरू हो गई, देखो अब तो आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, बारिश शुरू हो चुकी है, और कबूतर भी वापस भाग जाएंगे अंदर, क्योंकि बारिश में ये भीग जाएंगे तो फिर अंडों पर बैठेंगे ख़राब कर देंगे अंडे। तो मैं कर देता हूँ बंद और वीडियो करते हैं एंड, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और ध्यान से मेरी वीडियो को देखना फुल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वेट।